हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एसोसिएटिव के बारे में, किस तरह से सरफेस एसोसिएटिव क्या होता है, किस तरह से इसमें वर्क किया जा सकता है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करूँ सरफेस एसोसिएटिव के लिए, आप यहाँ पर कमांड बॉक्स के थ्रू सरफेस एसोसिएटिव लिख के भी इसको इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो ऑटोकैड के अंदर आपको पास रिबन्स बार है वहां पर आपको सरफेस एसोसिएटिव देखने को मिलेगा, वहां से भी आप इसको वर्किंग पोजिशन में ला सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात बताना चाहूंगा ये किस तरह से वर्क करता है। तो जब आप यहाँ पर कोई भी दो सर्फेस को कमांड बनाते हैं और कमांड करने के बाद जब आप उसके मूवमेंट देते हैं, यदि आपके दोनों सर्फेस को एक साथ मूवमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्फेस एसोसिएटिव का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देखिए सर्फेस एसोसिएटिव को यूज नहीं करते हैं तब आप यहाँ पर किसी भी आप सर्फेस को मूवमेंट करेंगे वो आपकी सर्फेस क्या हो जाएगी, मूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं किस तरह से यह वर्क करता है। क्लियर? तो देखिए ऑटोकैड के अंदर चले, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर सर्फेस एसोसिएटिव कहाँ देखने को मिलेगा, तो सर्फेस के अंदर जाना है, फिर उसके बाद सर्फेस एसोसिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये किस तरह से वर्क करता है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा, और एक्सट्रूड करने के लिए देखिए मोड कमांड का यूज किया और यहाँ पे मैंने सर्फेस कमांड का यूज किया। सर्फेस कमांड का यूज करते हुए मैं इसको सिंपल से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल से इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। अब देखिए बेसिकली बात की जाए तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो सरफेस एसोसिएटिव से नहीं हो रही है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल से कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सरफेस एसोसिएटिव और नॉन सरफेस एसोसिएटिव में क्या फर्क है। क्लियर? मैंने इसको कॉपी किया, तो सिंपल से इसको सेलेक्ट किया, इसका बेस पॉइंट पकड़ा और इसको जहां मूवमेंट देना है मैंने वहां मूवमेंट दिया। क्लियर? तो इस तरह से मेरा मूवमेंट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए दोनों के अंदर किस तरह से डिफरेंस है, किस तरह से वर्किंग की जाती है उसके बारे में देखिए यहाँ पर। तो देखिए सरफेस में आया मैं, यहाँ पर अभी नॉन सरफेस एसोसिएटिव है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिंपल सा इसके ऊपर पैच लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पैच कमांड का यूज किया और यहाँ पे जो उसकी अपर सर्फेस की यहाँ पर है लेयर, उसको मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पे मैं पैच करूंगा यहाँ पर बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे इसकी सारी को लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा पैच आ चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे G2 यूज कर लूंगा। क्लियर? ताकि आपको पैच दिखाई दे, उसके बाद सिंपल सा मुझे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए मैं देख पाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा पैच हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि मैं इसको नीचे से देखूंगा तो यहाँ पे मेरी कर्व सरफेस मिल रही है। अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए आपके दोनों जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस है, इधर मैंने सरफेस एसोसिएटिव को यूज नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं मूवमेंट कमांड का यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे मूव करता हूँ इसको, तो देखिए इस डायरेक्शन के अंदर मूव करने पर देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मूव करना है तो मैं यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। क्लियर? और मेरे जो सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, वो आपके पास एज इट इज यहाँ पर पड़ी है। क्लियर? दोनों मूव अलग हो चुके हैं। क्लियर? अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ताकि मेरे जो सर्फेस है वो वापस वहीं अपनी जगह चल जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, ये सेम टू सेम बॉक्स लिया और इस बार कर देता हूँ सरफेस एसोसिएटिव को इनेबल। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सरफेस एसोसिएटिव को इनेबल करता हूँ, फिर उसके बाद देखिए इसकी वर्किंग पोजिशन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, पैच कमांड का यूज करूंगा। पैच कमांड का यूज करते हुए देखिए इसको पैच करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी हो गई है फर्स्ट लाइन, उसके बाद देखिए मैंने सेकंड लाइन चूज की है, उसके बाद मैंने थर्ड, और उसके बाद देखिए फोर्थ। क्लियर? और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, पैच देखिए यहाँ पे लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे G0 है, उसकी जगह G2 कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको दिखाने के लिए कंटिन्यू कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने सरफेस एसोसिएटिव का यूज करते हुए मैंने इसको पैच कर दिया। अब देखिए बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चलने के लिए मैं इसको फिर से मूवमेंट देता हूँ। तो देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट को यूज कर रहा हूँ। देखिए मूवमेंट को यूज करते वक्त, देखिए इसको मूवमेंट करते हुए मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। देखिए इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा इसको यहाँ पे गौर से देखते हैं। तो लिखा है वन मोर सरफेस आर एसोसिएटेड विद द डिफाइनिंग द कर्व एंड सरफेस और द यहाँ पे पैरामेट्रिक क्वेश्चंस। देखिए बेसिकली बात करनी जाए यहाँ पर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ पे समझाना चाहूंगा। तो देखिए जब हमने नॉन सरफेस एसोसिएटिव का यूज किया था तब यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके दोनों के जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ बात करूँ पैच ऑब्जेक्ट और दूसरा आपके पास जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंडिविजुअल थे। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहा है, एक साथ इंडिविजुअल है या मतलब कंबाइंड है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। यस, यहाँ पे इसको देखिए कैंसिल ऑपरेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर लेगा, या फिर आप इसे कंटिन्यूस भी रख सकते हैं। देखिए कैंसिल ऑब्जेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको फिर से मूव करूंगा, यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बेसिकली मूव हो रहा है। बट यहाँ पे कैंसिल करने पर आपके पास क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपके पास जैसा था वैसा ही रह रहा है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। आई थिंक आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे सरफेस एसोसिएटिव का यूज करना है। सरफेस एसोसिएटिव से क्या हो रहा है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एसोसिएटिव हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंटेड हो रहा है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।